नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस यात्रा चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक विमान की जिसने भारतीय वायुसेना के इतिहास में स्वदेशी ताकत की पहली पहचान बनाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं HF-24 मारुति की, जिसे भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कहा जाता है। आजादी के बाद की शुरुआत साल 1947 में। आजादी के बाद भारत की वायुसेना लगभग पूरी तरह विदेशी विमानों पर निर्भर थी। हमारे पास ब्रिटिश और दूसरे देशों के विमान थे, जैसे स्पिटफायर, वैम्पायर और हंटर जेट। लेकिन एक स्वतंत्र देश के लिए यह जरूरी था कि वह अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाए और आत्मनिर्भर बने। इसी सोच के साथ 1956 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया। देश को अपना स्वदेशी फाइटर जेट बनाना होगा, HAL और परियोजना की नींव। इस बड़े सपने की जिम्मेदारी बेंगलुरु की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी गई। लेकिन चुनौती यह थी कि उस समय भारत के पास आधुनिक विमान बनाने का अनुभव बहुत कम था। तभी भारत आए एक विश्व प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक, डॉक्टर कर्ट टैंक। डॉक्टर टैंक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लिए प्रसिद्ध लड़ाकू विमान फॉके वुल्फ F-190 बना चुके थे। भारत ने उन्हें आमंत्रित किया और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उनकी अगुवाई में HF-24 परियोजना की शुरुआत हुई। विमान का नाम रखा गया मारुत, जिसका अर्थ है हवा का देवता। डिजाइन और खूबियां। मारुत अपने समय के लिए एक अत्याधुनिक विमान था। यह एक दो इंजन वाला एक सीट का फाइटर बॉम्बर विमान था। इसकी अधिकतम गति लगभग Mach 1 यानी आवाज की गति के बराबर थी। इसकी मारक दूरी लगभग 800 से 900 किलोमीटर थी। यह 30 मिलीमीटर तोप, रॉकेट और 1000 किलो तक के बम लेकर उड़ान भर सकता था। मारुत को मुख्य रूप से ग्राउंड अटैक मिशन यानी जमीनी लक्ष्यों पर वार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें सुपरसोनिक फाइटर बनने की क्षमता भी थी। और हां दोस्तों, पूरा फैक्ट जानने से पहले हमारे चैनल डिफेंस यात्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। HF-24 मारुत का भारतीय वायुसेना में सेवा। ईयर 1967 में HF-24 मारुत आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। कुल 147 विमान बनाए गए। इन्हें नंबर 10 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स और नंबर 220 स्क्वाड्रन डेजर्ट टाइगर्स को सौंपा गया। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में मारुत ने अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाई। राजस्थान और पंजाब मोर्चे पर इसने पाकिस्तान के रडार स्टेशन, टैंक पोजिशन और हवाई अड्डों पर सटीक बमबारी की। इतना ही नहीं, एक हवाई लड़ाई में मारुत ने पाकिस्तान के F-886 सेबर जेट को टक्कर देकर नुकसान भी पहुंचाया। यह भारतीय वायुसेना के लिए उस समय एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला क्षण था। मारुत की सबसे बड़ी कमी थी इसका इंजन। इस विमान के लिए मूल रूप से एक शक्तिशाली सुपरसोनिक इंजन चाहिए था, लेकिन उस समय भारत को ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं कराई गई। मजबूरी में इसमें लगाया गया रोल्स रॉयस और नर्फियस 703 टर्बोजेट इंजन, जो असल में ट्रेनर विमान के लिए बनाया गया था, लड़ाकू जेट के लिए नहीं। नतीजा यह हुआ कि मारुत का डिजाइन तो सुपरसोनिक था, लेकिन इंजन की वजह से वह कभी अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाया। अगर उस समय भारत को बेहतर इंजन मिल जाता तो मारुत दुनिया के बेहतरीन विमानों की श्रेणी में शामिल हो सकता था। रिटायरमेंट HF-24 मारुत ने लगभग 20 साल तक भारतीय वायुसेना में सेवा दी। 1980 के दशक के बाद इसे धीरे धीरे हटाया जाने लगा और 1990 तक इसे पूरी तरह से सेवानिवृत्त कर दिया गया। आज मारुत भारतीय वायुसेना के संग्रहालयों में गर्व से खड़ा दिखाई देता है, जो हमारी एरोस्पेस यात्रा की एक अमर निशानी है। ऐतिहासिक महत्व। मारुत का महत्व बहुत बड़ा है। यह भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था। इसने साबित किया कि भारत अपने विमान खुद डिजाइन और तैयार कर सकता है। यह परियोजना आगे चलकर LCA-3 जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की नींव बनी। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि मिस्र और इसराइल जैसे देशों ने भी मारुत को परखा था, लेकिन इंजन की समस्या की वजह से निर्यात सौदा पूरा नहीं हो सका। मारुत की कहानी हमें यह सिखाती है कि लड़ाकू विमान बनाना केवल डिजाइन का खेल नहीं है, इसमें सबसे अहम होती है इंजन तकनीक। आज भी भारत के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे कावेरी इंजन परियोजना हो या विदेशी इंजनों पर निर्भरता। लेकिन मारुत ने हमें यह आत्मविश्वास दिया कि भारत स्वदेशी परियोजनाओं में जोखिम ले सकता है और सफल भी हो सकता है। दोस्तों,
HF-24 मारुत भले ही अपने समय का दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक फाइटर न बन पाया हो, लेकिन यह भारत की रक्षा यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय है। इसने दिखा दिया कि एक युवा राष्ट्र भी अपना लड़ाकू विमान बना सकता है। और आज जब हम तेजस, तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे अत्याधुनिक विमानों को देखते हैं, तो उनकी जड़ें हमें मारुत की कहानी में ही दिखाई देती हैं। अगर आपको HF-24 मारुत की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और डिफेंस यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भारत की रक्षा यात्रा की और भी रोचक कहानियां और तथ्य आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद।